शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने को लेकर दुर्ग के बस स्टैंड के सामने यातायात केंद्र रूम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर शहर विधायक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने फीता काट कर इस कक्ष का उद्घाटन किया। दुर्ग शहर की चरमराई ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दुर्ग के न्यू बस स्टैंड के पास जब लोगों को ट्रैफिक से बचाने के साथ ही यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए जाने को लेकर मंगलवार को दुर्ग के नए बस स्टैंड के सामने यातायात केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव, दुर्ग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राम गोपाल गर्ग ने फीता काट कर यातायात केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर दुर्ग पुलिस विभाग और ट्रैफिक पुलिस विभाग के अधिकारी सहित बस संचालक संघ के पदाधिकारी भी शामिल हुए। इस संबंध में जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। केंद्र, हम सबको मालूम है कि अभी भारी ट्रैफिक की समस्या से पूरा शहर जूझता है। कहीं कहीं लोग कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ पे एक ट्रैफिक ऑफिस खोल रहे हैं, जिससे लोगों को कुछ सुगम होगी व्यवस्थाओं की, उसके बनाया गया है। दुर्ग बस स्टैंड के पास यातायात ट्रैफिक बूथ जो है हमारा, उसका शुभारंभ किया गया है, जिससे कि मुझे उम्मीद है कि बस स्टैंड और उसके आसपास जो ट्रैफिक की समस्या लगातार बनी रहती है, उससे निजात पाने में हमें सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ ये एक सहायता केंद्र का भी काम करेगा, जिससे कि जो यात्री हैं उनकी कोई समस्याएं रहती हैं उनको भी सुलझाया जा सके, और किसी की कोई वस्तु होती है जहाँ एक पुलिस का एक तरह सेंटर पॉइंट यहाँ पे रहेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बस स्टैंड के आसपास ट्रैफिक की समस्या है उसको निजात पाने में मदद मिलेगी, साथ ही सुचारू रूप से ट्रैफिक चल सके, इसमें भी इस बूथ की अहम भूमिका है। अभी उसी के बारे में अभी हम विधायक जी से भी चर्चा कर रहे थे कि कैसे हम कौन सी जगह पे बसेज को खड़ा करने का कर सकते हैं, उस पर विचार किया जाएगा और शीघ्र ही समस्या का समाधान कोशिश करेंगे। जो नियमों की उल्लंघना करेगा उन पर कार्रवाई। एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।